वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपको इंग्लिश का लेसन 5 रीड करवा रही हूँ, द इंजीनियर्स साइंटिस्ट। इसमें एक साइंटिस्ट को मैं पढ़ूंगा। इंजीनियर्स मतलब जो बहुत ही स्किल था उसमें, बहुत ही कौशल था, बहुत ही टैलेंट था उसमें। और इनका ये ऑन क्रिसमस डे इन द ईयर 1642 आइसैक न्यूटन वॉज बॉर्न एट अ स्मॉल विलेज ऑफ वुलस्ट्रॉप इन लिंकनशायर। क्रिसमस डे इनका बर्थडे, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या हुआ, 25 दिसंबर 1642। और वो साइंटिस्ट का नाम क्या है, आइसैक न्यूटन। और उनका जन्म कहाँ हुआ था, वुल्स्ट्रोप एक गाँव में जो कि लिंकन शायर में था। आइसैक फादर बीइंग डेड, उनके फादर मर चुके थे, तो मिसेस न्यूटन ने दोबारा शादी कर ली क्लर्गीमैन से। हर सन वॉज लेफ्ट टू केयर हिज गुड ओल्ड ग्रैंड मदर। और इशाक जो है अपनी दादी के पास रह गया। तो वॉज नॉट अ वेरी ब्राइट स्कॉलर, इशाक वॉज रिमार्केबली फॉर इंजेन्यूटी इन ऑल मैकेनिकल ऑक्यूपेशन। वो इतना ब्राइट स्कॉलर मतलब इतना अच्छा छात्र नहीं था, लेकिन वो एक इंजीनियर जो उसके हाथ में कौशल होता है, जो कि मशीनों को लेकर एक टैलेंट होता है, वो था उसके पास। उसके पास हमेशा एक छोटे छोटे जो है औजार उसके पास रहते थे, और कुछ भी अपने आप जो है कोई ना कोई चीज़ बनाता रहता था। विद द एड ऑफ दिस इस आई कंटिन्यू टू मेक मैनी क्रोसेस आर्टिकल। और इसी हेल्प की, इन टूल्स की वजह से उसने कई सारे चीज़ें बनाई थी। ही सीम टू हैव बी बॉर्न विद, उसे कहा जाता था कि अपने हाथ में ये 100 चीज़ें, हिंदी में एक प्रोवर्ब्स है कि हाथ में छेनी है तो जो होता है कि उसके बचपन से ही गुण दिखाई देते हैं। ठीक है, सम ऑफ हिज फ्रेंड नो डाउट, कुछ उसके फ्रेंड इसाक ग्रैंड मदर जो टू अप्रेंटिस हिम टू क्लॉक मेकर, और उसको एडवाइस करते थे कि वो उसको एक इतना अच्छा काम करता है तो जाके एक क्लॉक मेकर में काम कर ले, क्योंकि उसकी मैकेनिकल स्किल अच्छी है, उसका मैथमेटिक्स भी सही है। इट कुड बी वेरी यूजफुल टू, इसके प्रोफेशन में काफ़ी हेल्प करेगा। एंड देन ड्यू टाइम इसाक वुड सेट अप फॉर हिमसेल्फ द मैन्युफैक्चर क्यूरियस क्लॉक। और उसने अपने आप को उसने वो काम पे लग गया क्लॉक वाले पे, और वो रेडी हो गया, और बहुत ही अच्छी तरीके कई तरीके से उसने घड़ियाँ बना रखी थी। इट वॉज सेट गोइंग नॉट बाई व्हील्स वेट अदर क्लॉक बट वॉज ड्रॉपिंग ऑफ वाटर, पानी काफ़ी सारी मैकेनिकल घड़ी उसने बनाई थी। और उसने पीपल राउंड अबाउट वाटर क्लॉक बनाया था, सन डायल बनाया था। ग्रैंडफादर ने कभी ऐसा, जो उसकी ग्रैंड मदर है, उसने कभी समझा नहीं था कि कैसे वो घड़ी के बारे में जान सकती है वाटर क्लॉक। फॉर द वाटर क्लॉक वुड टेल हिम इन शेड एंड सन डायल इन द सनशाइन। ठीक है, इशाक प्रोसेस अ वंडरफुल फैकल्टी ऑफ एक्वायर्ड नॉलेज बाय द सिंपलेस्ट मीन। उसको बहुत ही अच्छा नॉलेज था, वो बहुत ही ये नहीं कि उसको अपने जो चीज़ें बनाने के लिए महंगे महंगे चीज़ों के लिए जो थी महंगे आर्ट टूल्स की, वो अपने सिंपल तरीके से भी अपने खोज जो है निकाल लेता था, खोज कर लेता था। फॉर इंस्टेंस जैसे उसने हवा की जो स्ट्रेंथ हवा की स्पीड अगर उसको मेजर करनी है तो वो हवा के अगेंस्ट जंप करता, और फिर उसको वो उसकी फोर्स जो है हवा की जो ब्रिज है हल्का है या टेम्पेस्ट है तूफान है कैसा है वो पता कर लेता। इवन इस बॉय स्पोर्ट्स वो खेलने से के तरीके से भी बड़ी बड़ी ग्रेट ऑफ फिलोसफी वो जान लेता था। नॉट फ्रॉम हिज ग्रैंड मदर डिसेंट, ग्रैंड मदर के घर से दूर ज़्यादा नहीं, वहाँ पे एक था वाइंड मिल, ठीक है, चक्की होती है जैसे एक ऐसा कुछ होता है, उसने ऐसा ये मॉडल खुद बनाया, ठीक है, इशाक ने। और उसने सब तरीके से जैसे जैसे उसमें होता है वैसे वैसे सारे उसमें सेटअप किया, छोटा सेट बनाया एक वाइंड मिल, और उसमें सेल करने के लिए हवा जो है उसमें लाइनन का कपड़ा, पतला कपड़ा उसको कर दिया, और मुँह से उसने फूंक मारा तो वो जो नाव है जिसके जो उसका वो वाइंड मिल चलने लगती थी, ठीक है। और उसने देखा कि उसने अपने हाथ से कुछ आटा गेहूं जो है उस वाइंड मिल में डाला, और उसने देखा कुछ देर बाद वो आटा जो है वो गेहूं जो है वो आटे में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो उसने ऐसे कई सारे आविष्कार किए थे। तो वाइंड मिल उसने बनाया था, लोगों उसके फ्रेंड्स ने देखा बहुत ही खुश हुए, तब तुमने गलती कर दी। इसहाक ने पूछा क्या, तो उसने कहा कि यहाँ पे मिल की देखभाल करने वाली थी, देखभाल करने वाले मिलर कहाँ हैं। तो उसने सोचा हाँ ये तो सही है, मैं जरूर एक छोटा सा आदमी बनाऊँगा, मिनिएचर ऑफ फिगर ऑफ मैन, एक छोटा सा मैन बनाऊँगा जो कि मेरे मिल को संभाले, ठीक है। पर उसने माउस को रखा, तो पर माउस जो है जो चूहा उसका नाम रखा गया मिस्टर माउस, उसको उसका उस मिल का उस फैक्ट्री का उसको मिलर यानी मालिक बनाया गया। पर वो बहुत थे पर वो क्योंकि वो चूहा था क्या करता था, वो अनाज खा जाता था, ठीक है, तो इसलिए वो उसको हटा दिया। फिर अनिशा ग्रो जब बड़ा हुआ तो उसने काफ़ी सारी नॉलेज, मैथमेटिकल नॉलेज, नेचुरल फिलोसफी, रातों को तारों को देखना और वंडर करना कि कितनी दूरी तक है, ये सब जो है वो पढ़ता था और समझता था।
जब इसहाक 14 ईयर्स ओल्ड हुआ तो उसकी मदर ने हिज मदर हर सेकेंड हस्बैंड नाउ डेड, उसका सेकेंड हस्बैंड भी की डेथ हो गई, यानी कि जिसकी उसकी मम्मी ने दूसरी शादी की थी ना मदर ने, तो उसकी भी डेथ हो गई। और उसने अपने बच्चे का इसहाक का स्कूल में स्कूल छुड़वा कर और काम करने पे लगा दिया, फार्मिंग पे, खेतों पे। पर उसका माइंड जो है काम पर नहीं लग जाता, स्कॉलर में था, तो वो स्कूल छोड़ उसकी मदर ने वापस इसको स्कूल भेज दिया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। और वहाँ पे उन्होंने जो एप्पल वाली जो स्टोरी है, जो उसके सर पे एप्पल गिरता है, ग्रेविटेशनल का आविष्कार वो करता है इससे, ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल। और उसके बाद वो बहुत ही फेमस हो जाते हैं। और उसके बाद न्यूटन जो है अब बूढ़ा हो गया, लेकिन वो ऐसा सोचता नहीं है कि उसकी नॉलेज ख़त्म हो गई, वो और नॉलेज है डेली करता था। उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया गया, नाइटहुड के से अवार्ड दिया गया उसको, ठीक है। उसका नॉलेज बहुत ही बड़ा है और उसको कोई भी उस पर घमंड नहीं करता था। आई सीम टू माई सेल्फ, वो कहता अभी भी मैं बच्चा हूँ और मैं जो समुद्र से किनारे खेल रहा हूँ और समुद्र को देख रहा हूँ, उसी तरह मैं इस अनडिस्कवर्ड जो चीज़ है, जो मुझे अभी तक नहीं पता, उसको मैं अभी तक खोज रहा हूँ, ठीक है। तो एट लास्ट 1727 व्हेन ही वाज 4 स्कोर, स्कोर को बोलते हैं 20 का ग्रुप होता है, यानी 4 स्कोर यानी कितना हो गया, 80 ईयर्स हो गया, तो 5, ठीक है, ग्रुप ऑफ 20 होता है ना, तो 4 स्क्वायर, 4 × 20 कितना हो गया, 80 सर, 80 एंड 5 ईयर्स ओल्ड। तो जब 85 के हुए तो न्यूटन उनकी डेथ हो गई, ठीक है। और उन्हें काफ़ी सारी जो है अपनी मेमोरेबल जो है नॉलेज दुनिया के लिए छोड़ रखे हैं, ठीक है। तो चैप्टर रीड हो गया बच्चों, और आज आप इसके बुक फिल कर लेना, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें देखो हु स्पोक दिस वर्ड, ये इसहाक फ्रेंड ने कहा, आइसैक फ्रेंड ने, और इसके भी इस आइसैक में, इसका भी आइसैक में, ठीक। और ये देखिए जो प्लांट्स और गार्डन की देखभाल करता है गार्डनर, जो इन क्राइम इन्वेस्टिगेट करता है डिटेक्टिव, और जो कार चलाता है प्रोफेशनली वो है चौफर, ठीक है। इसमें से आप ढूंढते भी जाओगे। और मेडिसिन जो बेचता है केमिस्ट, और जो बिल्डिंग में चोरी करने जाता है, सेंध लगाने जाता है, उसे बोलते हैं बर्गलर, ठीक है। ये आपका हो गया, चैप बुक फिल हो गया, इसे फिल कर लेना। ओके स्टूडेंट्स।